युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, आज सरकार मदरसा के बाद जो है वह बोर्ड की ज़मीन पे जो ये तरह तरह के एक के बाद एक जनता के मुख्य धारा को और जनता की मेन जेन्युइन समस्याओं से मुद्दे से भटकाने के लिए ये तरह तरह की नौटंकी कर रही है। हम कह रहे हैं कि वह बोर्ड की मदरसा की अभी सर्वे करा रही थी, बिल्कुल कराएं, लेकिन मदरसे के साथ साथ जो और भी इस तरह की शिक्षण संस्थाएं थी उनका भी जांच होना चाहिए था। अब उसके बाद वह बोर्ड की ज़मीनों की जो सर्वे कराने की बात कर रही है ये सरकार, इसमें जो है वह बोर्ड की ज़मीन का वो सर्वे कराए, लेकिन इसके साथ साथ मठ में जो अवैध कब्जे हुए हैं उनका भी सर्वे होना चाहिए वह बोर्ड के साथ साथ। अभी आप प्रयागराज में आपने देखा कि प्रयागराज में एक बाबा के यहाँ कई करोड़ नगदी मिला, एक कुंटल से अधिक कई कुंटल सोना मिला, उनका जांच कब होगा? हम ये मांग करते हैं योगी जी से कि वह बोर्ड की ज़मीनों की बिल्कुल इस पे जांच होना चाहिए, ताकि जिसके बहुत सारे ऐसे निजी मामले में जो लोग कब्जा करके बैठे हैं उनसे छीना जाए, वो उस पर अस्पताल बनाया जाए, उस पर सार्वजनिक प्लेस या रोजगार का कोई अवसर दिया जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो मठों का जो इस तरह का साधु संत और भी जो धर्म के चर्च गुरुद्वारे उनके भी जितने धर्म एक ये धर्म विशेष को ये सिर्फ कटघरे में खड़ा करके जांच कराना ये कहीं ना कहीं ये उनके मानसिकता को दर्शाता है कि वो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। अगर वो ईमानदार हैं इस मामले में तो माननीय योगी जी से मैं मांग कर रहा हूँ कि इस वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच कराएं और निष्पक्ष कराएं, और जो निजी हाथों में गया है उनसे बिल्कुल लेकर के वहां पे सार्वजनिक कार्य करवाएं, और उसके अलावा और भी जो लोग कब्जे किए हैं चाहे मठ का हो चाहे गुरुद्वारा का हो चाहे चर्च का हो उन सब की जांच करके और सबको सार्वजनिक स्थल बनाया जाए, तब हम मानेंगे कि वो अपने कार्य में ईमानदार हैं और बदले की भावना से वो कार्य नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया।